9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद हंगामा बरपा हुआ है, राजनीति भी खूब गरमाई है। ऐसे में हम पूरी तरीके से भारतीय सेना चीनी सैनिकों पर नजरें गड़ाए हुए है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हिंसक झड़प के बाद चीनी सैनिकों के मूवमेंट्स पर बात जैसी नजर रखी जा रही है। हर साल सेना सर्दियों के दौरान फॉरवर्ड एरियाज की तैनाती में थोड़ा बदलाव करती है, ऐसे में ताजा झड़प के बाद सैन्य तैनाती में बेहतरी की भी तैयारी कर ली गई है। ये पूरी जानकारी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी द्वारा मिली है और उनका कहना है कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कठोर मौसम और टेरेन के चलते हमारे रेस्पॉन्स टाइम और क्षमता पर कोई असर नहीं पड़े। इसके लिए हमने सैनिकों को कॉम्बैट रिजर्व्स, लॉजिस्टिकल बेसिस और गोला बारूद के रीएडजस्टमेंट में लगे हैं। ऐसा 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी के तीनों सेक्टर वेस्टर्न लद्दाख, मिडिल उत्तराखंड हिमाचल और ईस्टर्न सिक्किम अरुणाचल में किया जा रहा है। खास नजर पूर्वी लद्दाख पर है, जहां लगातार तीसरे साल सर्दियों के दौरान अग्रिम मोर्चों पर दोनों सेनाएं तैनात हुई और झड़प हुई है। इसके अलावा अरुणाचल में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि एक सैन्य अधिकारी ने कहा, पूर्वी लद्दाख में देमचोक और चूमर से लेकर अरुणाचल में और फिसटेल 1 और 2 तक एलएसी पर विवाद की 23 अन्य प्रमुख जगहों पर भी फोकस है। फिलहाल जोर सर्वाइवलिटी और कॉम्बैट क्षमता के संरक्षण पर है। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में कई जगह अतिक्रमण करने और तनाव बरकरार रखने के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी का फोकस अब 1346 किलोमीटर लंबे एलएसी के पूर्वी सेक्टर पर है। मिलिट्री पोजीशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से इतर पिछले 3 महीनों में पीएलए लगातार अरुणाचल और सिक्किम से लगती एलएसी की ओर 3 से 4 अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों को तैनात किया। सैन्य अधिकारी ने कहा कि पीएलए बलों की तैनाती में कोई वास्तविक कमी नहीं आई, ऐसे में तवांग सेक्टर की सुरक्षा के लिए भारी फोर्स तैनात किया गया है। आपको बता दें कि चीन इसे दक्षिण तिब्बत बताकर हमेशा से दावा करता रहा है। तवांग से भूटान को भी उसके पूर्वी छोर पर सुरक्षा मिलती है। एक मिलिट्री ऑफिसर के अनुसार 1986-87 में सुम दोरोंग स्टैंड ऑफ के दौरान भारत ने यांगत्से चोटी पर कब्जा किया, जिससे पीएलए चढ़ती रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सैनिक और भारतीय सेना इस वक्त चीन के हर एक मूवमेंट पर नजरें गड़ाए हुए हैं। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद बवाल बढ़ता गया और संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मुद्दे पर बयान देते हुए बताया था कि चीन का हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है और उनको उन्हीं की भाषा में समझा दिया है। फिलहाल अब पूरी तरीके से सेना तैयार है और चीनियों की एक एक कदम पर निगरानी रखी जा रही है।